हेलो एवरीवन, आज हम सॉल्व करने वाले हैं जेनेटिक्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीएसआईआर नेट से। सीएसआईआर नेट में 2020 में एंड 2019 में एलओडी स्कोर, लॉर्ड स्कोर के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया हुआ है। क्या होता है ये लॉर्ड स्कोर, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे लॉर्ड स्कोर के क्वेश्चंस। लॉर्ड स्कोर के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल सा एक मेथड है, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है जिसको माइंड में रखना है। पहले हम बात करते हैं लॉर्ड स्कोर होता क्या है। लॉर्ड स्कोर लॉगरिथम ऑफ बेस 10 ऑफ ओड्स। लॉर्ड स्कोर क्या होता है एंड हम जेनेटिक्स में लॉर्ड स्कोर क्यों पढ़ते हैं। लॉर्ड स्कोर नॉर्मल एक मैथमेटिकल स्टैटिकल कैलकुलेशन है जिसके थ्रू हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि कोई भी टू जीन है, या इनको जीन पेयर बोल सकते हैं, कोई भी जीन पेयर है या टू जीन है वो लिंक्ड है या लिंक्ड नहीं है, लिंक्ड है या लिंक नहीं है, बोल सकते हैं कि वो कितने क्लोज है। इसको डिटरमाइन करने के लिए हम लॉर्ड स्कोर यूज करते हैं। लॉर्ड स्कोर हमें टू जीन्स हैं ए एंड बी, ये कितना क्लोज है इस बात को एस्टिमेट करने के लिए हम लॉर्ड स्कोर यूज करते हैं। ओके, अब ये लॉर्ड स्कोर का मीनिंग क्या है। लॉर्ड स्कोर का मीनिंग है लॉगरिथम 10 बेस ऑफ ओड्स, मींस ओड्स का लॉग 10 फाइंड करना, ऑड्स का लॉग फाइंड करना बेस 10 में। ओके, अब हम पहले बात करेंगे ओड्स क्या होते हैं। ओड्स क्या होते हैं, प्रोबेबिलिटी के वे में हम ओड्स देखें तो ओड्स होते क्या है। एग्जाम्पल लीजिए कि आप कोई गेम में पार्टिसिपेट लिया एंड आपने 5 मैचेस खेले, उनमें से आप 3 मैचेस विन कर गए एंड 2 मैचेस आप लूज कर गए। 3 मैचेस में विन कर गए, 2 मैचेस में लूज कर गए, तो आपके जो विन होने का ऑड है, विन होने का जो ऑड है वो होगा हमारा 3/2। अब आप बोलेंगे मैम प्रोबेबिलिटी में एंड ऑड्स में क्या डिफरेंस है। ओड्स में हम जिस चीज के हम फेवर में होते हैं उसको लिखते हैं फेवर डिवाइडेड बाय जिसके हम फेवर में नहीं है, जो चीज हमारे फेवर में नहीं है। बट यहीं पे हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी में हमारा फॉर्मूला होता है फेवर डिवाइडेड बाय टोटल। यदि यहाँ पे हम विनिंग की प्रोबेबिलिटी ले तो 3/5 होगी, और यदि हम यहाँ पे विनिंग का ऑड ले तो 3/2 होगा। इट मींस ऑड हमारा एक मैथमेटिकल स्टैटिकल कैलकुलेशन है जिसमें हम रेशियो लिखते हैं जो चीज हमारे फेवर में है और जो चीज हमारे फेवर में नहीं है, फेवर का और नॉट फेवर का, ये होता है ओड्स। अब उसी ओड का मीन्स 3/2 का लॉग लेना, जब हम 3/2 का लॉग लेंगे, लॉग वैल्यू जो होगी 3/2 की, दैट इज लॉर्ड स्कोर, वही होगा हमारा लॉर्ड स्कोर। अब ये लॉर्ड स्कोर हमने जेनेटिक्स में कैसे लिया, जेनेटिक्स में लॉर्ड स्कोर का लिंकेज को डिटरमाइन करने में कैसे यूज है। लॉर्ड स्कोर की वैल्यू, लॉर्ड स्कोर की वैल्यू हमारी -2 to 3। ओके, इफ ये वैल्यू हमारी 3 से ज्यादा होती है तो हमारे जीन लिंक्ड है, हमारे जीन लिंक्ड है, क्लोज है हमारे जीन्स। ओके, एंड इफ ये वैल्यू -2 से कम हो जाती है, इफ ये वैल्यू -2 से कम हो जाती है मींस जीन को लिंक्ड नहीं बोला जाएगा, उनको लिंक्ड की लिंक्ड से एक्सक्लूड कर दिया गया, लिंक्ड से एक्सक्लूड कर दिया गया। यहां बहुत ज्यादा क्लोज है जीन्स, लिंक्ड है बहुत ज्यादा, जब 3 से ज्यादा वैल्यू होगी, मींस लॉर्ड स्कोर की वैल्यू 3 से ज्यादा होती है तो बोलते हैं जीन लिंक्ड है। अब लॉर्ड स्कोर की वैल्यू 3 है, इसका मतलब क्या है, 3 कैसे आया है, ये 3 हमारा लॉगरिथम, ऑड का लॉगरिथम करके, ऑड का लॉगरिथम करके आया है 3, क्योंकि हमने अभी बताया था कि लॉर्ड स्कोर क्या होता है, लॉगरिथम ऑफ ओड, ऐसे आया है 3। अब 3 का मीनिंग क्या है, 3 का मीनिंग है यहां पे 3 जो है वो बताता है
थाउजेंड रेशियो वन, मीन्स थाउजेंड चांसेस हैं कि लिंक्ड है जीन्स, लिंकेज है, और वन चांस है कि हमारा जीन लिंक्ड नहीं है. इट मीन्स हमने टू जीन्स को चेक किया तो थाउजेंड टाइम्स हमें पता चला कि वो लिंक्ड है और एक बार हमें पता चला कि वो लिंक्ड नहीं है. तो लिंक्ड हमारा फेवर में था और वन जो था वो हमारे फेवर में नहीं था. अब यदि हम थाउजेंड डिवाइडेड बाय वन का लॉग लेंगे तो आप लोगों को पता होगा कि वन के आगे जितनी जीरो होती हैं वही हमारा लॉग होता है. थ्री है तो हमारा हो गया लॉग थ्री. इफ आपको लॉग फाइंड करना आता है तो आपको पता होगा कि लॉग टेन मीन्स टेन टू द पावर थ्री. थ्री हमारा आगे आ गया, थ्री लॉग टेन, टेन लॉग टेन बाय बेस टेन हमारा वन होता है तो हमारा आंसर आ गया थ्री. इट मीन्स इफ हमारा लॉर्ड स्कोर थ्री है तो हमारा रेशियो है थाउजेंड रेशियो वन. थाउजेंड टाइम जीन लिंक्ड है और वन टाइम जीन लिंक नहीं है. थाउजेंड टाइम जीन लिंक्ड है, वन टाइम लिंक नहीं है. इफ हमारे लॉर्ड स्कोर की वैल्यू है टू, इट मीन्स हमारा रेशियो है हंड्रेड रेशियो वन. हंड्रेड टाइम्स हमारे जीन लिंक्ड है और वन टाइम्स नहीं है. ये थ्री टू वन ये ट्वाइस थ्राइस नहीं है, ये टाइम्स है. ओके, ट्वाइस थ्राइस कैसे होते कि वन हमारा नॉन लिंक्ड है तो वन मल्टीप्लाई थ्री हमारा लिंक्ड है, ये तो हो गया थ्राइस. बट टाइम्स का मतलब क्या होता है, टेन टाइम्स. इट मीन्स लॉर्ड स्कोर थ्री बता रहा है, इट मीन लिंकेज टेन की पावर थ्री टाइम्स हो रहा है. लिंकेज टेन की पावर थ्री टाइम्स हो रहा है, ना कि थ्राइस टाइम्स हो रहा है. फिर से एक बार समझते हैं, लॉर्ड स्कोर का मतलब होता है हमारा, लॉर्ड स्कोर का मतलब होता है हमारा कि जीन लिंक्ड है या नहीं उसको डिटरमाइन करना. जीन लिंक्ड है इसको डिटरमाइन करना, माइनस टू से थ्री तक के बिटवीन. इफ थ्री से ज़्यादा की वैल्यू हुई तो हमारे जीन बहुत ज़्यादा लिंक्ड है, क्लोज है, और टू से कम हुई हमारी मतलब उनको एक्सक्लूड कर दिया गया है लिंकेज से, एक्सक्लूड कर दिया गया है लिंकेज की कैटेगरी से ही एक्सक्लूड कर दिया गया है. ओके, अब थ्री का मतलब है हमारा कि हमारा थाउजेंड टाइम लिंक्ड है और वन टाइम लिंक नहीं है. टू का मतलब है हंड्रेड टाइम लिंक्ड है, वन टाइम लिंक नहीं है. वन का मतलब है टेन टाइम लिंक्ड है, वन टाइम लिंक नहीं है. माइनस वन का मतलब है हमारा वन बाय टेन रेशियो वन. इसको यदि हम सॉल्व करें तो हमारा आता है वन रेशियो टेन, मतलब वन टाइम लिंक्ड है और टेन टाइम लिंक नहीं है. माइनस टू ले हमारा तो मतलब हमारा माइनस टू ले हमारा तो वन रेशियो हंड्रेड, मतलब वन टाइम लिंक्ड है और हंड्रेड टाइम नॉन लिंक्ड है. और ऐसे करते करते हमारे ये लिंकेज की कैटेगरी से बाहर हो जाएंगे. क्वेश्चन देखते हैं लॉर्ड स्कोर के सीएसआईआर नेट जीआरएफ से. ये क्वेश्चन हमारा 2020 में आया है. द टेबल गिवन बिलो शोज द लॉर्ड स्कोर वैल्यू ऑफ डिफरेंट पेयर ऑफ जीन स्टडीड फॉर असेसिंग इट दे आर लिंक्ड. हमें कुछ पेयर ऑफ जीन्स दिए हैं, उनके लॉर्ड स्कोर गिवन है, हमें बताना है कि ये लिंक्ड पेयर है या नहीं है. फर्स्ट जीन पेयर है, जीन पेयर मतलब इसमें टू जीन्स हैं, उनका लॉर्ड स्कोर वन है. सेकंड जीन पेयर है तो मतलब इसमें कोई टू जीन्स हैं, उनका लॉर्ड स्कोर टू है. थर्ड जीन पेयर है, इसमें भी टू जीन्स हैं, उनका लॉर्ड स्कोर थ्री है. ओके, अब कुछ स्टेटमेंट्स हैं, देखते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट है फॉर जीन पेयर वन, जीन पेयर फर्स्ट के लिए प्रोबेबिलिटी जो है जीन की कि वो लिंक्ड है वो 10 टाइम्स है देन असॉर्ट हो रहे हैं इंडिपेंडेंटली. वन का मीनिंग क्या है, लॉर्ड स्कोर आपका वन है, इट मींस हमारा क्या मीनिंग है इसका, इसका मीनिंग है हमारा 10 रेशियो वन. मतलब 10 टाइम्स तो ये लिंक्ड है और 10 टाइम्स नॉन लिंक्ड है. नॉन लिंक्ड का मतलब क्या है, असॉर्ट हो रहे हैं इंडिपेंडेंटली. नॉन लिंक का मतलब क्या होता है, असॉर्ट हो रहे हैं इंडिपेंडेंटली. मींस हमारे ये इजली इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो जा रहे हैं, ये लिंक नहीं है. तो इसमें क्या बोला है कि जीन पेयर फर्स्ट के लिए लिंक्ड जो है वो 10 टाइम्स ज्यादा है एज कंपेयर टू असॉर्ट होना इंडिपेंडेंटली. लिंक्ड जो है वो 10 टाइम्स मोर है असॉर्ट होने से. यस, सही बात तो बोली है, 10 रेशियो वन.
ए हमारा करेक्ट है, ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर जीन पेयर सेकेंड लॉर्ड स्कोर टू इंडिकेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ जीन लिंक्ड इज ट्वाइस एज कंपेयर टू असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। टू लॉर्ड स्कोर का मीनिंग क्या है, इफ लॉर्ड स्कोर टू है उसका मीनिंग क्या है, टू का मीनिंग है 100:1, बताया था अभी, टू का मतलब है 100:1 मीन्स हमारे 100 टाइम्स लिंक्ड, 100 लिंक्ड है और 1 हमारा नॉन लिंक्ड है। तो ये ट्वाइस है या 100 टाइम्स है, ये 100 टाइम्स है, ट्वाइस नहीं है। कभी भी लॉर्ड स्कोर का मतलब थ्राइस ट्वाइस नहीं होता, इसका मतलब होता है 2 है तो मीन्स 100 टाइम्स, 3 है तो 1000 टाइम्स, 1 है तो 10 टाइम्स। तो ये हमारा रॉन्ग है क्योंकि इसमें बोला है कि लिंक्ड होने की प्रोबेबिलिटी ट्वाइस है और रियल में क्या है 100 टाइम्स है, ना कि ट्वाइस है। तो ये हमारा हो जाता है रॉन्ग। देन हमारा आता है सी। सी में क्या बोला है, जीन पेयर फर्स्ट एंड सेकेंड कंसीडर्ड एज लिंक्ड व्हाइल जीन पेयर थर्ड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मैंने आपको क्या बताया था कि हमारा थ्री और उससे ज्यादा मतलब लिंक्ड होता है। तो इसमें बोला है 1 और 2 का मतलब है लिंक्ड और 3 का मतलब है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, नहीं। रियल में तो -2 से 3 तक का ग्राफ देखे तो 3 से इधर होता है लिंक्ड और इस साइड जाएंगे तो होता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये गलत बोला है, 3 का मतलब लिंक्ड है ना कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और 1 और 2 का मतलब लिंक नहीं है। तो सी भी हमारा रॉन्ग है, सी भी हमारा रॉन्ग है। डी पे चलते हैं, जीन पेयर 3 कैन बी कंसीडर्ड एज लिंक्ड। जीन पेयर 3 जो है वो लिंक्ड है, यस। जीन पेयर 3 का हमारा स्कोर क्या है, 3 से अबव, 3 और मोर देन 3 का मतलब होता है हमारा लिंक्ड, 3 और मोर देन 3 का मतलब होता है लिंक्ड, ओके। तो हमारा डी करेक्ट है, ए और डी करेक्ट है, सी आंसर करेक्ट। अगेन समझते हैं, लॉर्ड स्कोर हमारा लॉगरिथम को शो करता है, किसकी, ऑड्स की लॉगरिथम को। ऑड्स क्या होता है मैंने आपको बता दिया है, अपना फेवर, रेशियो अपना फेवर नहीं होना, दैट इज ऑड्स। फेवर में हमारा क्या है, लिंकेज है। तो लिंकेज रेशियो, लिंकेज नहीं होना मतलब इंडिपेंडेंट असॉर्ट होना, ओके। अब यदि हमारा 1 है लॉर्ड स्कोर तो इट मीन्स 10:1, 10 लिंक्ड हो रहे हैं और 1 लिंक नहीं हो रहे हैं। इट मीन्स लिंकेज जो है वो 10 टाइम्स है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के। 2 है तो लिंकेज 100 टाइम्स है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 2019 में आया है लॉर्ड स्कोर से। आप पेडिग्री शोन बिलो डिपिक्ट दैट इंडिविजुअल फर्स्ट वन इज हेट्रोजाइगस फॉर अ डोमिनेंट डिजीज डी एंड द मॉलिकुलर मार्कर M1 एंड M2। द पेरेंटल मॉलिकुलर मार्कर प्रेजेंट इन द प्रोजेनी इंडिविजुअल आर इंडिकेटिंग द पेडिग्री। इसमें ये हमें पेडिग्री दिया है, इसमें ये पेरेंट्स हैं, देन इनकी इंडिविजुअल्स हैं, इनकी प्रोजेनी है। अब क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि जो हमारा पेरेंट है, एक पेरेंट जो फादर हैं, उनका जीनोटाइप हमारा डी डी है और उनसे जो हमारा मॉलिकुलर मार्कर है कनेक्ट वो M1 M2 है। जो मदर है उनका जीनोटाइप स्मॉल डी है और मॉलिकुलर मार्कर M2 M2 है, ओके। अब हमें कुछ पॉइंट्स गिवन है, उनके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि डी जो है वो हमारा अटैच है, कैपिटल डी जो है वो M1 मार्कर से अटैच है और स्मॉल डी जो है वो हमारा M2 मार्कर से अटैच है। जब भी तो स्मॉल डी आने पर M2 M2 आया और हमारा कैपिटल डी आने पर M1 आया, स्मॉल डी आने पर M2 आया, कैपिटल डी डोमिनेंट है, ओके। अब उनसे हमारा ये प्रोजेनी आई, ओके। अब हमें पेडिग्री के अकॉर्डिंग ये 4 स्टेटमेंट गिवन है, हमें आंसर देना है, ओके। सो फर्स्ट हमारा है कि जो हमारे लोसाई हैं डी और M1 M2 वो लिंक्ड है। लिंक्ड मीन्स डी जो है वो M1 के साथ लिंक्ड है, हमें पेरेंट में दिख रहा है, बट प्रोजेनी में डी जो है वो M1 के साथ लिंक रहा और डी स्मॉल डी जो है वो M2 के साथ लिंक रहा, ये बात देखनी है, ओके। अब आप देखिए कि कैपिटल डी डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कैपिटल डी डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्मॉल डी डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं। बोला है इसमें डोमिनेंट डिजीज एलील कैपिटल डी,
तो मींस डिजीज जो है, डिजीज एक तरीके से बोल सकते हैं, डिजीज के साथ M1 लिंक्ड है माना हमने, ओके अब जहां डिजीज नहीं है तो हमारा M2 लिंक्ड है। अब आप देखिए कि जो हमारा फर्स्ट इंडिविजुअल है उसमें हमारा डिजीज है, उसमें हमारा डिजीज है, डिजीज है तो हमारा आया M1, ओके ये हमारा एक पेरेंटल कॉम्बिनेशन है कि डिजीज होने पर M1 आया। हमें जब भी लिंक बताना होता है तो हम पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट देखते हैं कितना कितना परसेंट आ रहा है। सेकंड हमारा डिजीज नहीं है स्टिल M1 आ रहा है, मींस ये हमारा क्या है, ये हमारा रिकॉम्बिनेंट है। थर्ड हमारा डिजीज है, M1 आ रहा है, डिजीज के साथ तो M1 आएगा ही आएगा, तो ये हमारा पेरेंटल है। फोर्थ में हमारा डिजीज नहीं है, M2 आ रहा है, ये भी पेरेंटल है। फिफ्थ में हमारा डिजीज है और M2 आ रहा है, मींस ये हमारा रिकॉम्बिनेंट, फिफ्थ भी हमारा रिकॉम्बिनेंट है। रिकॉम्बिनेंट को मैं मार्क कर रही हूँ, फिफ्थ भी हमारा रिकॉम्बिनेंट है, ओके। सिक्स्थ में हमारा M2 है और डिजीज नहीं आ रहा है, पेरेंटल है। सेवेंथ में हमारा डिजीज है, M1 आ रहा है, पेरेंटल है। एट्थ में हमारा डिजीज नहीं है, M2 आ रहा है, पेरेंटल है। नाइन्थ में हमारा डिजीज नहीं है, M1 आ रहा है, नहीं ये नहीं हो सकता, डिजीज नहीं है और M1 आ रहा है, डिजीज के साथ तो हमारा क्या आता है, डिजीज के साथ आता है M1, ये भी रिकॉम्बिनेंट। फोर्थ हमारा हेट्रोजाइगस गिवन है, पहली बात तो हेट्रोजाइगस पॉसिबल नहीं है बट स्टिल करेक्टर नहीं आया, हेट्रोजाइगस गिवन है तो ये भी हम रिकॉम्बिनेंट ले सकते हैं क्योंकि हेट्रोजाइगस है और M2 आ रहा है, ओके। 50% पेरेंटल आते हैं, 50% रिकॉम्बिनेंट आते हैं, इट मीन्स हमारा जीन लिंक्ड नहीं है, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहा है। बट इफ रिकॉम्बिनेंट कम आते हैं पेरेंटल से, रिकॉम्बिनेंट कम आते हैं 10 में से अराउंड 3 टू 4 हमारे रिकॉम्बिनेंट हैं, रिकॉम्बिनेंट कम आते हैं तो मतलब हमारा जीन लिंक्ड है। तो वन तो हमारा फर्स्ट जो है ए तो है वो हमारा करेक्ट है कि हमारा जो ये मार्कर है ये हमारे लिंक्ड है, ए तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। बी पे चलते हैं, बी में बोला है रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी जो है इनके बिटवीन वो 20% है, वो 20% है, रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी 20% है। अब रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी कैसे निकालते हैं, रिकॉम्बिनेंट टोटल मल्टीप्लाई 100, यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट अराउंड 3 to 4 हैं तो मतलब 30-40% हमारी रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। इफ हम इसको लेके ना चले रिकॉम्बिनेंट तो 30% आएगी, 3 divided by 10 multiply 100 30% आएगी। इफ हम इसको रिकॉम्बिनेंट लेके चलते हैं तो 40% आएगी, सो हम 30-40% के बिटवीन सोच लेते हैं, ओके। तो मींस बी हमारा इनकरेक्ट है, बी हमारा इनकरेक्ट। सी लेके चलते हैं, सी में क्या बोला है, लॉर्ड स्कोर जो है हमारा वो 3 है तो मींस हमारे ये दो लोसाई इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं। बट मैंने आपको क्या बताया था अभी अभी कि लॉर्ड स्कोर 3 या 3 से ज़्यादा है तो हमारा लिंक्ड होते हैं, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं होते, तो मींस हमारा सी भी रॉन्ग है, सी भी रॉन्ग है। डी लेके चलते हैं, डी में बोला है लॉर्ड स्कोर लेस देन 1 है तो बोला गया कि 2 लोसाई हमारे लिंक्ड है। अब आप बताइए लिंक कब होते हैं कब नहीं होते हैं? फिर से मैं बताती हूँ, -2 से 3 तक के बिटवीन देखते हैं, 3 से ज़्यादा है तो लिंक्ड है और 2 से कम है तो बिल्कुल एक्सक्लूड कर दिया लिंकेज से, ओके। अब बोला है -1 के अराउंड है तो लिंक्ड है, नहीं अभी लिंक नहीं है। लिंक की कैटेगरी कौन सी होती है, 3 से ज़्यादा वालों की लिंक की कैटेगरी होती है, तो मीन्स हमारा डी भी रॉन्ग है, डी भी रॉन्ग। अब हमारे बी सी डी रॉन्ग है हमारा, अब ए सही है और ए सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया है और वो ऑप्शन है हमारा सी, ए सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया है सी बट उसके साथ बी भी गिवन है, तो यहाँ पे जो सी एस आई आर ने आंसर दिया है हमें वो हमें सी दिया है, ऑब्वियसली सी ही होगा क्योंकि लॉर्ड स्कोर बिल्कुल साफ साफ बता रहा है हमें कि सी और डी तो हमारे रॉन्ग हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाता है, बी भी रॉन्ग हो जाता है, डी भी रॉन्ग हो जाता है, ओके ये तीनों रॉन्ग हो जाते हैं बट हमारा सी ऑप्शन जिसमें ए एंड बी है वो राइट होगा क्योंकि लास्ट ऑप्शन बचा है। बट इसमें भी सिर्फ ए राइट है, बी का कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि फर्स्ट थिंग तो जो बी में कंफ्यूजिंग यहाँ दी है वो सबसे पहली कंफ्यूजिंग थिंग ये दी है कि डोमिनेंट डिजीज का एलील है डी और यहाँ पे हेट्रोजाइगस आया, जब डी डोमिनेंट है तो यहाँ पे हेट्रोजाइगस कैसे है, यहाँ पे हेट्रोजाइगस है भी मानो तो हमारा हेट्रोजाइगस का कैपिटल डी स्मॉल डी होता है
ऑब्वियसली हेटरोजाइगस जीनोटाइप में है, बट फिनोटाइप तो हमारा डिजीज होना चाहिए था, तो ये कंफ्यूजिंग थिंग है। तो फर्स्ट तो हमारा करेक्ट है, बी हमारा इस वजह से कंफ्यूजन में है, बट यस यहाँ पे इफ हमारा ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, डी ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग है क्योंकि उनमें सी एंड डी गिवन है और सी एंड डी साफ शो कर रहे हैं कि हमारा लॉर्ड स्कोर के अकॉर्डिंग हमारा सी एंड डी ऑप्शन गलत है, मीन्स ए बी डी हमारा गलत है, सिर्फ सी जो है वो सही है, ऑप्शंस में सी सही है, सी में ए और बी गिवन है। तो ये था हमारा लॉर्ड स्कोर के क्वेश्चंस। इफ आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो बेस्ट ऑफ लक।